एपिसोड की शुरुआत में किलुआ किरको मॉन्स्टर से अलविदा लेता है और किरको मॉन्स्टर इसको बताते हैं कि आगे क्या करना है। उसके बाद ये बिल्कुल वैसा ही करता है, एक बंदे के घर पे जाता है, ये वहाँ से उसको एक कार्ड मिलता है, उस कार्ड को लेके ये होटल के अंदर जाता है जहाँ पे इसको कार्ड दिखाने के बाद एक लिफ्ट का रास्ता दिखाया जाता है और जैसे लिफ्ट खुलता है वैसे ये एग्जाम साइट तक पहुँच जाता है। इसके बाद हम एग्जाम हॉल में देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं और इनमें से ज्यादातर बंदे को हम नहीं जानते, जहाँ पे किलुआ किसी ऐसे को ढूंढ रहा होता है जिसको ये जानता हो। तब हम देखते हैं टोनपा को जो देखता है किलुआ को और छुप जाता है क्योंकि उसको पता है कि इसकी बच जाएगी अगर किलुआ ने इसको देख लिया। उसके बाद हम थ्री ब्रदर को देखते हैं, उमोरी, ओमोरी और एमोरी को, और ये तीनों बोलते हैं कि पिछली बार तुमने हमें भले ही हरा दिया हो लेकिन इस बार हम प्रैक्टिस करके आए, हमारा टीम वर्क वगैरह वगैरह करने लगते हैं, और ये इनको इग्नोर मार के चला जाता है। इसके बाद एक बंदा आता है जो हंटर एग्जाम का एग्जामिनर होता है और बड़े स्टाइल के साथ ये एंट्री मारता है और बोलता है कि कुल अभी 1489 बंदे यहाँ पे हैं और उनमें से जो नेक्स्ट स्टेज के लिए सिर्फ 300 बंदे बचने वाले हैं। और तब हम पोंजो को भी देखते हैं और साथ में जपाइल को भी देखते हैं। इसके बाद ये इनको टास्क देता है कि लंच के लिए 2 घंटे बचे हैं, तो 2 घंटों के अंदर तुम्हें किसी भी 5 बंदे को नॉकआउट करना है और उसका बैच लाके मुझे देना है और उसके बाद तुम पास हो जाओगे, और इसके बाद ये चला जाता है। इसके बाद ये बंदा बाहर आ जाता है और बोलता है कि जो भी हंटर बनेगा उसको ताकतवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हर राउंड इसी तरह से होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि बिजली चारों तरफ से कड़क रही होती है, यानी कि किलुआ ने अपना काम कर दिया होता है और किलुआ बहुत छोटे छोटे बिजली देके सबको बेहोश कर रहा होता है ताकि इन सबका टैग छीन सके, क्योंकि किलुआ का प्लान होता है कि वो अकेला पास करेगा और किसी को भी पास होने नहीं देगा। और तब ये जपाइल से भी मिलता है लेकिन जपाइल को भी नहीं छोड़ता, जपाइल को भी बेहोश कर देता है और उसको भी गिरा देता है। उसके बाद हम थ्री ब्रदर को देखते हैं जिनमें से एक भाई बोलता है कि ये हमारी लीग से बाहर है, दूसरा बोलता है कि ये तो एक टॉप हंटर बनने वाला है, और तीसरा बोलता है कि भाई ये तो मेरा आखिरी चांस है, कम से कम इस बार तो मुझे पास करने दो। उसके बाद हम एग्जामिनर को देखते हैं जो आराम से गांजा फूंक रहा था, और तब किलुआ वहां पे आ जाता है और किलुआ को देख के बोलता है कि तुम सिर्फ इकलौते यहां पे आए और तुम्हें पूरे 1.5 घंटे लग गए, बाकी सारे एप्लीकेंट्स कहां है। तब ये बोलता है कि वो सब सो रहे हैं, और ये बोलता है कि मुझे टैग को कलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया, और ये टैग जब दिखाता है सब तो ये हैरान हो जाता है क्योंकि इसने सबका टैग छीन लिया होता है। इसके बाद एग्जामिनर के अंदर आके देखता है कि सबके सब बेहोश पड़े होते हैं किलुआ की बिजली से, और ये नतारे को फोन करके पूछता है क्या सेकंड राउंड करवाए। तब ये बोलता है कि जरूरत है नहीं, किलुआ पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, तो तुम उसको डायरेक्ट पास कर दो। इसके बाद ये अनाउंस करता है कि एप्लीकेंट 1219 किलुआ सम, तुम एक प्रो हंटर अभी बन चुके हो और तुम्हें कांग्रेचुलेशंस। उसके बाद किलुआ वापस ग्रिड आयरन के अंदर आ जाता है जहां पे गॉन उसका स्वागत करता है, गॉन पूछता है कि एग्जाम कैसे गया, और तब ये बताता है कि मैं तो मतलब बिना मेहनत के ही जीत के आ चुका हूं। उसके बाद ब्रिस्की इनका सेलिब्रेशन को रोकती है और इनको कार्ड के बारे में दिखाती है कि इसके पास बहुत सारे कार्ड होते हैं, और किलुआ दिखता है कि इनके पास एस रैंक का भी एक कार्ड है, और ये बोलता है कि इस कार्ड को बेच क्यों नहीं देते। तब गॉन बोलता है कि नहीं, हमें इसको थोड़ा सा वाइजली यूज करना चाहिए, ये हमारे काम में आ सकता है, और गॉन पहली बार कुछ अच्छा बोल रहा होता है। इसके बाद किलुआ बोलता है कि हमारे पास बहुत सारे डिफेंसिव कार्ड्स हैं तो हमारा जो कार्ड है वो कोई चोरी नहीं कर सकता, और ये पूछता है क्या तुमने किसी कार्ड को ट्राई किया, लेकिन ब्रिस्की बोलती है कि हमने सिर्फ ब्लैकआउट कॉटन का ही ट्राई किया है, और ये पूछता है कि इतने सारे कार्ड है उसके बावजूद तुमने ट्राई क्यों नहीं किया, और एक कार्ड निकालता है और इसको देता है और बोलता है कि इस कार्ड का यूज करो, उस कार्ड का नाम होता है कॉन्टैक्ट कार्ड, और ये बोलता है कि मैं किससे कॉन्टैक्ट करूँ, और ये बोलता है कि किसी से भी कर लो जिसके पास तुम गए होगे। इसके बाद गॉन कॉन्टैक्ट ऑन करता है और हम बुक में देखते हैं बहुत सारे नाम आता है, और किलुआ जब नाम पढ़ रहा होता है तब अचानक से उसकी आंखें चमक जाती है क्योंकि जो नाम इसने पढ़ा होता है वो नाम होता है क्रोलो का, और ये बुलाता है गॉन को और गॉन को भी दिखाता है। इसके बाद गॉन बोलता है कि मैंने क्रोलो को गेम के अंदर नहीं देखा है, और किलुआ बोलता है इसका मतलब ये है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को पास किया लेकिन तुमने नोटिस नहीं किया। और उसके बाद ब्रिस्की बोलती है कि किसके बारे में तुम बात कर रहे हो, और तब ये इसका जवाब नहीं देते और उल्टा गॉन बोलता है कि उसका तो सील कर दिया गया था ना नैन कुरापिका के द्वारा, और तब ये बोलता है कि हाँ ऐसा तो था, लेकिन उसके बाद ये फिर से पूछती है कि कौन है ये कुरापिका, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, तो ये इन दोनों को एक जोरदार पंच मारती है जिसकी वजह से ये दोनों हवा की यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद हम शलनार को देखते हैं जो हंसते हुए बोलता है कि अब मुझे समझ में आया, और फ्रैंकलिन बोलता है कि ये हंसने का टाइम नहीं है, सब कुछ एक्सप्लेन करो, और तब ये बताता है कि जिसका नाम तुम क्लोरो पढ़ रहे हो एक्चुअली में वो क्रोलो नहीं है, वो अपना बॉस नहीं है, वो कोई और बंदा है, और बताता है कि हमारा बॉस जो है वो अभी नैन की एबिलिटी को यूज नहीं कर सकता, तो ये हमारा बॉस नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं फिर से ब्रिस्की को जिसको सवाल किया जाता है कि अगर नैन किसी के ऊपर यूज किया गया है तो उसको निकाला जा सकता है क्या, और ब्रिस्की बोलती है कि ऑब्वियसली अगर तुम किसी के ऊपर यूज करते हो तो किसी ना किसी तरह से उस नैन को बाहर भी निकाला जा सकता है। इसके बाद किलुआ बोलता है कि क्रोलो ने रिमूव कर दिया कुरापिका का नैन और उसके बाद गेम के अंदर आया, लेकिन गॉन बोलता है कि लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा। तब
ये बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हमें कुरापिका को बताना होगा इसके बारे में। और ये बोलता है कि मैं गेम के बाहर जाता हूँ, उसको बता के आता हूँ। और तभी बोलता है कि तुम स्पेल कार्ड का यूज कर लो, लेकिन ये बोलता है कि नहीं, तुम उसको सेव करके रखो, मैं बस 4 घंटे में जाके आया। उसके बाद शलनार्क समझाता है कि जो यॉर्क न्यू सिटी है उसके ईस्ट की तरफ ग्रेट आइलैंड मौजूद है, और बॉस के फॉर्चून में लिखा होता है कि ईस्ट की तरफ जाओ, तो जरूर बॉस यहाँ पे आए होंगे। लेकिन जैसे रेजन ने हमको लात मार के निकाल दिया, वैसे ही बॉस को भी निकाल दिया होगा। और तब बॉस को समझ में आया होगा कि ये जो है ये ग्रेट आइलैंड है, और ये अभी इसके अंदर नहीं आ सकते ऑफिशियल मेथड से, क्योंकि वो नैन यूज नहीं कर सकते, और इसलिए शायद उन्होंने किसी को हायर किया होगा जो उनके नाम से यहाँ पे आ सके, ताकि हमें एक मैसेज मिल सके कि हमें यहाँ पे उस बंदे को ढूंढना है जो नैन की एबिलिटी को बाहर निकाल सकता है। इसके बाद फिंक्स बोलता है कि हमारे सारे मेंबर्स को यहाँ पे बुला लो, ताकि हम जल्दी से उस एग्जोसिस्ट को ढूंढ सके जो कुरापिका का नैन निकाल सकता है बॉस के शरीर में से। और तब हम सुनते हैं हिसोका की आवाज, जो बोलता है कि एक्चुअली क्रोलो का नाम यूज करने वाला जो आइडिया था वो मेरा था, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि तुम्हें और कौन सा नाम पसंद आता। और जैसे फिंक्स हिसोका को देखता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो बोलता है मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर देना चाहता हूँ, लेकिन मैं बॉस के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और इसके बाद हिसोका बोलता है कि ठीक है, तुम्हें अगर कुछ पता चले तो मुझे बताना, और मुझे पता चलेगा तो मैं भी बता दूंगा। और इतना बोलने के बाद ये इनको बाय बोल के चला जाता है। इसके बाद फैतन बोलता है तो बॉस ने हिसोका को हायर किया, और तब फ्रैंकलिन बोलता है कि हाँ, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होगा, थोड़ा वियर्ड है लेकिन करना पड़ा होगा, और शायद इसको रिवॉर्ड में मिलने वाला होगा बॉस के साथ फाइट करने का मौका। उसके बाद फ्रैंकलिन बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो समय ही बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद हम कुरापिका को देखते हैं, जिसको अभी किलुआ का कॉल आया होता है, जो इसको सारी बातें बताता है, और ये बताता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो मुझे पता चलता, अगर वो कोशिश भी करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि वो नैन को मेरा हटाना चाहते हैं। इसके बाद किलुआ बोलता है कि मुझे तुम्हें इन्फॉर्मेशन देनी थी, मैंने दे दिया, अब तुम क्या करते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तब कुरापिका इसको थैंक यू बोलता है और फोन काट देता है, और ये सीधा जाता है मिस्टर नोस्टार्ड के पास, जो बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं। वो बोलते हैं कि आखिरकार मैं इस महीने में करूंगा तो क्या करूंगा। तब ये बोलता है कि मैं हैंडल कर लूंगा सब कुछ, लेकिन तब ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हें सिचुएशन के बारे में कुछ पता भी है क्या, तुम नियोन को वापस पहले जैसा बना सकते हो क्या, तुम नियोन को ठीक कर सकते हो। और ये अपने घुटनों के बल पड़ जाता है और बोलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके बाद हम नियोन को देखते हैं जो अपना पेन घुमा रही होती है, और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्यों फॉर्च्यून नहीं लिख पा रही, यानी कि नियोन भी अपनी एबिलिटी को यूज नहीं कर पा रही होती। इसके बाद किलो फिर से वापस ग्रेट आइलैंड के अंदर आ जाता है, और वो गोन को सारी सिचुएशन समझाता है कि वो एक्चुअली में असली क्रोलो है नहीं, क्योंकि कुरापिका बहुत ज्यादा शांत था और कुरापिका बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। और तब ब्रिस्की बोलती है तुम तो बेकार में ही चिंता कर रहे थे, और ये बोलती है कि हमें ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना होगा, और ये बेसिक ट्रेनिंग करना चाहता था गोन, लेकिन ये बताती कि हमें बेसिक ट्रेनिंग नहीं चाहिए, हमें अभी जो गेम है उसके अंदर से बैटल करना होगा और हमें कार्ड को कलेक्ट करना होगा। उसके बाद ये एक बड़े से पेड़ के पास आते हैं, और इनको पता लगता है कि यहाँ पे एक ग्रेट व्हाइट बीटल रहता है, और उसको कैप्चर करने से भी इनको एक कार्ड मिलेगा। और गोन को कहा जाता है कि इसको निकालने का सिर्फ एक तरीका है, जोरदार पंच मारे उसके ऊपर ताकि ये हिल जाए, और जो होगा कीड़ा वो नीचे गिर जाएगा। और ये बहुत ज्यादा जोर से पंच मारता है और बहुत सारे कीड़े गिरने लगते हैं, और वहां पे व्हाइट कलर का एक बीटल होता है, उसको जैसे ये पकड़ते हैं तो इनको 3 बीटल कार्ड मिल जाते हैं। इसके बाद इनको एक लड़की को रेस्क्यू करना होता है, जहां पे बॉडीगार्ड जो होता है वो ब्रिस्की और गोन को रोक लेता है, लेकिन किलुआ छुपके से पीछे की तरफ से जाके सीधा उस लड़की को बचा के लेके आ जाता है, जिसको देखने के बाद ये बॉडीगार्ड इसको हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन किलुआ इसको एक जोरदार पंच मार के इसको हवा में उड़ा देता है। और इनको 2 कार्ड मिलता है, जिनमें से एक उस लड़की के लिए मिलता है जो एक गोल्डन कार्ड होता है, डिफिकल्टी लेवल इसका A होता है, और 46 नंबर का ये कार्ड होता है, और साथ में एक F रैंक का कार्ड मिलता है उस बॉडीगार्ड के लिए। इसके बाद ये सिटी ऑफ गैम्बलिंग डोरियस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बीच में अंटोकविया पड़ता है, और वहाँ पे वीकली मतलब मंथली कंपटीशन हो रहा होता है, जहाँ पे ये पार्टिसिपेट करके जीत भी जाते हैं, और इनको कुछ कार्ड्स भी यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद हमें कार्ड दिखाया जाता है जिसका नंबर होता है 84, और इसका नाम होता है पैलेडिन्स नेकलेस, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन गोन को समझ में नहीं आता, इसलिए ये एक शॉपकीपर के पास जाके इससे पूछता है, और तब ये बताता है कि अगर तुम इस नेकलेस को पहनोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक स्पेल काम नहीं करेगा, और साथ में अगर तुम्हें कोई फेक कार्ड भी दे देता है तो ये नेकलेस उसको ओरिजिनल में कन्वर्ट करके दे देगा। और तब किलो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि अगर तो हम इसको पहन के घूमते हैं तो मतलब हमें चिंता करने की जरूरत है नहीं, कोई हमारा स्पेल कार्ड इतनी आसानी से चोरी नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमें पता लगता है कि इनको 6 रेस्ट्रिक्टेड स्लॉट्स मिले होते हैं, और जिनमें से पहला होता है मेमोरी हेलमेट, दूसरा होता है विच स्लॉट पोर्शन, तीसरा होता है रिस्क डाइस, और चौथा होता है द किंग ग्रेट व्हाइट बीटल, पांचवा होता है गोल्ड डस्ट गर्ल, और छठवां होता है पैलेडियंस नेकलेस। इसके बाद गोन और किलो बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन ब्रिस्की बोलती है आसान नहीं था, तुमने जो प्रैक्टिस की उसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो चुका है, और ये सब अपने दिमाग के अंदर ये सोच रही होती है। इसके बाद गोन के साथ कोई कॉन्टेक्ट करता है, और जब गोन पूछता है कि तुम कौन हो, तब ये बताता है कि एंटीक्यूबा सिटी के अंदर पहले तुमसे स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ ने जिस बंदे ने छीना था मैं वही बंदा बोल रहा हूँ। और तब गोन बोलता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, और ये बोलता है कि मैं बस तुमसे ट्रेड करना चाहता हूँ, हमारे पास 2 कार्ड है, नंबर 66 और नंबर 17, अगर तुम इंटरेस्टेड
चढ़ो तो पहले अपने दोस्तों से पूछताछ कर लो और उसके बाद हमें बता देना। उसके बाद हम गैंथ्रू की टीम को देखते हैं जिनके सामने दो बंदे होते हैं जिनको इन्होंने बंदी बना लिया था। और तब टैसगेरा इनके साथ कॉन्टैक्ट करता है और टैसगेरा बोलता है कि हम तुमसे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हम तुम्हें पैच ऑफ फॉरेस्ट दे देंगे, उसके बदले तुम हमें एंजल्स ब्रेथ दे देना। लेकिन ये बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। उसके बाद टैसगेरा बोलता है ये एक एसएस रैंक कार्ड है और साथ में तुम्हें एक और कार्ड दे दूंगा। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मानता और बोलता है कि मुझे तुम जैसे लोगों से मतलब कॉन्टैक्ट करना ही नहीं है, तुम्हारे पास अभी 92 कार्ड्स हैं। लेकिन तभी टैसगेरा सोचता है कि 92 नहीं 95 कार्ड्स हैं और बहुत सारे स्पेल कार्ड भी मौजूद है। और तभी उसके बाद गैंथ्रू बोलता है कि और तुम्हारे पास शायद ये जो एंजल्स ऑफ ब्रेथ है वो शायद आखिरी कार्ड भी तुम्हारा हो सकता है और बाकी कार्ड तुम्हारे दोस्तों ने ढूंढ लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। और इस तरह से तुम जीत जाओगे और हम हार जाएंगे और हमें हार बर्दाश्त नहीं है। मुझे पागल मत बनाओ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास नाइट जेट नहीं है और एंजल्स ब्रेथ भी नहीं है और तुम्हें इन दोनों की जरूरत है और मैं कभी भी तुम्हें ये दोनों कार्ड लेने नहीं दूंगा, तो फिर तुम्हें ऑल द बेस्ट। उसके बाद टैसगेरा बोलता है कि हम तुम्हें तीन कार्ड देंगे, पहला कार्ड होगा हमारा फॉरेस्ट पैच ऑफ फॉरेस्ट, दूसरा कार्ड होगा हिडन हालो और तीसरा कार्ड होगा पल्टन ड्रैगन। और इसको सुनने के बाद इसकी आंखें चमक जाती है और तब टैसगेरा बोलता है कि तुम्हें सिर्फ एक कार्ड देना है, वो भी नाइट जेट, एंजल ऑफ ब्रेथ की हमें जरूरत है नहीं। हम तुम्हें एक एसएस रैंक का कार्ड देंगे, दो एस रैंक का कार्ड देंगे, तुम्हें सिर्फ ए रैंक का एक कार्ड देना है। और उसके बाद ये बोलता है कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दो। इसके बाद सब बोलता है कि ये कोई ट्रैप हो सकता है, लेकिन गैंथ्रू बोलता है कि लेकिन ऑफर काफी अच्छा है और टैसगेरा कभी ऐसा ऑफर तो करेगा नहीं जिससे वो हार जाए और ना ही वो हमसे फाइट लेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा केयरफुल पर्सन है, उसको एंजल ऑफ कार्ड की जरूरत नहीं है। इसका मतलब शायद उसके पास पहले से 40 स्पेल कार्ड है जिसके जरिए वो एंजल ऑफ ब्रेथ को ले सकता है। और तब बारा समझाता है कि जो नाइट ऑफ जेड है ये काफी स्पेशल कार्ड है, इसको ऑब्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर तुम्हारा कोई भी कार्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है तो तुम उस कार्ड को इस ज्वेल के जरिए बना सकते हो फिर से और ये ओरिजिनल होता है। तो इस तरीके से ए रैंक का नाइट ऑफ जेड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एसएस रैंक का एंजल ऑफ ब्रेथ कार्ड से। इसके बाद गैंथ्रू बोलता है यही तो असली गैम्बल है। इसके बाद हम देखते हैं कार्ड का एक्सचेंज हो जाता है गॉन और उस बंदे के बीच में जिसने स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ इसे चुरा लिया था और काफी स्मूथली हो जाता है, कोई झगड़ा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद ये बंदे जब कार्ड मिल जाते हैं तो ये चले जाते हैं और साथ में गॉन बोलता है कि ये थोड़ा सा वियर तो था लेकिन उसके बावजूद हमने 3 दिन में 7 कार्ड को कलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद ये सीधा बढ़ जाते हैं द गैम्बलिंग सिटी ऑफ क्या बोलते हैं उसको दोरियास। इसके बाद ये एक कैसीनो के अंदर जाते हैं जहां पे बहुत सारे स्लॉट मशीन होते हैं और उसके साथ बहुत सारे मशीन्स होते हैं और इनको पता चलता है कि इस मशीन के जरिए अगर तुम जीतते हो ना तो तुम्हें एक रेस्ट्रिक्टेड स्लॉट वाला कार्ड मिल सकता है, लेकिन जीतने का परसेंट बहुत ज्यादा कम होता है, वो 0.01% होता है। मतलब गेम जीतने के लिए तुम्हें लक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और इसलिए किलो बोलता है कि ये रिस्क डाइस को यूज करेगा जिसके अंदर अगर इसको गुड लक मिलता है तो ये जरूर जीत जाएगा। और उसको बोला जाता है कि अगर बैड लक आएगा तो फिर जितना जीता है शायद उतना चला भी जाए, मतलब बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, लेकिन ये मानता नहीं है, ये डाइस को फेंकता है और इसका गुड लक आता है। और उसके बाद ये स्लॉट मशीन का यूज करता है जहां पे ये जीत जाता है और उसके बाद उसको एक कार्ड मिलता है रेस्ट्रिक्टेड स्लॉट वाला। इसके बाद किलो उसको फिर से यूज करना चाहता है लेकिन इसको बिस्की मना करती है, लेकिन ये बोलता है कि इतना चिंता क्यों कर रहे हो, अगर बैड लक आएगा तो मर थोड़ी ना जाऊंगा। और तभी एक आवाज आती है और हमें पता लगता है कि एक मशीन फूट गया जिसकी वजह से एक बंदा मारा जाता है। और कुछ लोग बताते हैं कि ये बंदा 5 बार से जीत रहा होता है और उसके हाथों में हम देखते हैं यही वाला डाइस होता है, और क्योंकि इसका बैड लक अभी आया होता है इसलिए ये फूट जाता है, इसके चेहरे के ऊपर ही फूट जाता है और ये मर जाता है। और इसके बाद किलुआ का चेहरा देखने लायक होता है। इसके बाद हम गैंथ्रू और उसके दोस्तों को देखते हैं जिन्होंने डिसाइड किया होता है ये ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि इसको एस रैंक के बहुत सारे कार्डों की जरूरत होती है और यहाँ पे 3 कार्ड मिल रहे हैं। और इसके बाद ये एक जो बंदी बनाया होता है ना उन्होंने उसके पास जाते हैं और उसको रोल करने के लिए बोलते हैं रिस्क डाइस को, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं नहीं करूंगा, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। लेकिन ये बोलता है कि ये तुम्हारा 3री बार है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी से रोल करो, अगर तुम रोल नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। और इसके बाद ये रोते हुए उसको रोल करता है और इसकी किस्मत काफी अच्छी होती है, इसका गुड लक आ जाता है। उसके बाद गैंथ्रू बोलता है देखा बैड लक बहुत कम आता है मेरे दोस्त, और इसको एक लॉटरी कार्ड देता है और बोलता है कि हमें 75 नंबर का कार्ड चाहिए लकी एलेक्जेंड्राइड, और अगर तुम उसको ऑब्टेन कर देते हो तो हम तुम्हें फ्री कर देंगे। और इसके बाद ये लॉटरी को ऑन करता है लेकिन इसको 75 की जगह पे मिल जाता है नंबर 76। उसके बाद सब बोलता है कि तुम्हारा किस्मत इतनी भी अच्छा नहीं है, और बारा जाके गैंथ्रू से बोलता है कि हम पहला मूवमेंट कर ले क्या, और तब सब आके बोलता है कि हमें उनसे आगे रहना है किसी भी तरह से, लेकिन गैंथ्रू बोलता है कि हमें आगे रहना है ये तो सही बात है लेकिन उसके लिए हम फाइट नहीं कर सकते, हम आखिरी तक फाइट नहीं करेंगे जब तक उसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर हम अभी से फाइट कर लेंगे तो फिर हम बाद में उनके साथ
नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगे और अगर हमें कोई कार की जरूरत होगी तो हम उनसे नहीं ले पाएंगे, उनको जाल में नहीं फंसा पाएंगे। उसके बाद 12 बोलता है कि हम टैक्स कलेक्टर्स गाउंटलेट और द रिस्क डाइस दोनों को मिला के कर सकते हैं। और तब ये बोलता है कि मैं समझ गया, इस तरह से हम 8 कार्ड को एक साथ चुरा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, अगर किसी का भी बैड लक आया तो वो फिर सबके सब मारे जाएंगे। इसके बाद गैंथ्रो बोलता है कि हम इतनी दूर आ चुके हैं तो गेम को क्लियर करके ही जाएंगे, और बोलता है कि अगर रिस्क ज्यादा है तो हमें उसे बांट लेना चाहिए। और इसके बाद ये रिस्क डाइस को रोल कर देता है, इसकी भी किस्मत अच्छी होती है, इसका गुड लक आ जाता है और 12 और सब थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, वरना इनकी तो फटी पड़ी थी। इसके बाद गैंथ्रो टिस्गेरा से अभी डील करने के लिए कॉन्टेक्ट करता है और एक इविल स्माइल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके किलुआ को दिखाया जाता है, जिसकी आंखों में अभी सिर्फ जीत का बुखार लग चुका होता है। इसको किसी भी तरह से इस डाइस को यूज करना होता है, इसलिए ये इस डाइस को लेके बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और तभी अचानक से ब्रिस्की आती है, इसको एक चॉप मार के इसको बेहोश करती है, वरना ये इसको यूज करता और किसी ना किसी प्रॉब्लम में पड़ जाता। और उसके बाद हम देखते हैं शाम हो चुकी होती है, यहाँ पे गॉन इसको उठा के लेके जा रहा होता है क्योंकि ये अभी भी बेहोश होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, टिस्गेरा जीतेगा या फिर गैंथ्रो जीतेगा, और क्या इनके बीच में फाइट भी होने वाली है। और साथ में अपने दोस्तों के साथ ये वाला जो वीडियो इसको शेयर कर देना ताकि हमारी रीच बनी रहे। और दोस्तों अगर इस चैनल में नए हो तो बेल का आइकन, मतलब पहले सब्सक्राइब दबा देना और उसके बाद जो बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोर से बजा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।